नमस्कार, आप देख रहे हैं SSCN न्यूज। आइए बात करते हैं सड़क दुर्घटना में मां बेटी की हुई दर्दनाक मौत की। सरायकेला के चानिल बाजार के पास ट्रेलर की चपेट में आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों चानिल मुख्य बाजार से कपड़ों की खरीदारी कर अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे कि तभी वे ट्रेलर की चपेट में आ गए। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। सरायकेला खरसवा जिले के चानिल थाना क्षेत्र के चानिल बाजार में ट्रेलर की चपेट में आने से माँ एवं बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे की है। मृतकों की पहचान चांडिल थाना क्षेत्र के रसुनिया पंचायत के हाथी नादा गांव के रहने वाली 40 वर्षीय सालतनी टुड्डू और उसके 17 वर्षीय बेटा सुनील टुड्डू के रूप में हुई है। मृतक मां और बेटे चांडिल बाजार से नया कपड़ा खरीदकर अपने एक रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी शंभु शरण दास मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया और ट्रेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर जमशेदपुर का है और पुरुलिया की ओर जा रहा था। वहीं घटना के बाद हाथी नादा गांव में मातम पसर गया है। दुर्घटना के बाद करीब आधे घंटे तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद समाजसेवी अष्टमी रविदास ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। हम आ रहे थे जब बाजार जा रहे थे सब्जी खरीदने के लिए, तो अचानक देखे कि गाड़ी में एक तो टेलर रखा हुआ था, दो एक लेडीज और एक जेंट्स। टेलर चिप टेलर था, उसके सामने में गिरा हुआ था। तो देखे तब तक देखे कि पूरा लोग खत्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था। तो उस टाइम तुरंत हम लोग प्रशासन से ये किए, प्रशासन तुरंत बड़ा हुआ आए और बड़ा हुआ के सामने हम लोग डेड बॉडी को पकड़ के ला के हम लोग हॉस्पिटल भिजवा दिए। चांदिल बाजार में सड़क हादसे में एक महिला और एक पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई है। और ये बस चांडिल में जो रोड में जाम होता है इसके लिए हो रहा है, इसमें ट्रैफिक का कोई व्यवस्था नहीं है जिसके चलते जाम लगा हुआ है। तो हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि प्रत्येक जगह ट्रैफिक का व्यवस्था हो ताकि आए दिन इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। और दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।